बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। व्यूअर्स, वेलकम करना चाहूँगी शहरे रमज़ान, हमारी खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको। आज मे डे, फर्स्ट मे, लेबर डे के तौर पे जाना जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आज इस टॉपिक पे हमें गाइड करने के लिए और बताने के लिए कि हमें एक्चुअली अपने मज़दूर भाइयों और बहनों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए, और आखिर जब हम मज़दूरों के आलमी दिन की बात करते हैं तो उसके ज़ुमरे में कौन कौन आता है। हम एक जनरल सी स्टेटमेंट पास कर देते हैं, मज़दूर उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें गाइड करेंगे वन ऑफ आर फेवरेट पर्सनैलिटीज़, मेरे बहुत ही प्यारे काशिफ भाई ने, साहबजादा काशिफ महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड जर्नलिस्ट, एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्राउन ऑन हिज हेड इज वासिफ अली वासिफ के साहबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काश भाई, हम अभी न्यूट्रिशन की बात करने लगे थे तो मैंने कहा आप भी रोज़े रखते हैं और सारे रखते हैं तो हम आपको भी लेक्चर देंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना आपने। जी ज़रूरी, डॉक्टर साहिबा गाइड करेंगी। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। लेबर डे जी बहुत कीमती चीज़ है ये। असल में इस्लाम में तो लेबर डे होता नहीं है, इस्लाम में तो हर दिन ही मज़दूर का दिन होता है। और इसके हम ना आज दो पहलू जो डिस्कस करेंगे, एक तो है जो दुनियावी पहलू है और एक इसका इस्लामी पहलू भी है कि जहाँ पर मेहनत, मज़दूर की मेहनत और उसका रिवार्ड, उसकी उजरत, कितनी उजरत, एक मुल्क में उसका क्या लेवल बनता है, ये सब बातें जो है ना वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ये हमारे मुल्क का पिलर है मज़दूर जो है, इसने इस इमारत को उठाया हुआ है, और ये कीमती लोग हैं, ये निकल जाएंगे तो इमारत गिर जाएगी। क्या बहुत कीमती लोग। क्या खूबसूरत बात आपने कही। क्या आपने कुछ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ स्पेशली आज के दिन की मुनासबत से हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। देखिए ये मुल्क जो है एक अमारत है, और इस अमारत की जो बुनियाद है वो हमारा लेबर तबका है जो दिन रात मेहनत करता है। एक सरकार हज़रत वासिफ अली वासिफ का शेर है कि पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, पल भर में ज़मी बोस वो हो जाती है वासिफ, तामीर निकल जाती है जो अपनी बिना से, यानी कि जिसकी बुनियाद हिल जाए उसकी बिल्डिंग कायम नहीं रहती ऊपर। और हम ये जो सबक हमें जो सिखाया गया है, ये तो लेबर डे शुरू हुआ है कोई 1886 से, मेरे ख्याल है उसका नाम था समथिंग जे मैकवायर, 1886 में पहली दफ़ा जो ये लेबर डे है इसको सेलिब्रेट किया गया, और उसमें ये अनाउंस किया गया कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लेबर लॉज के अंदर वो सारी तब्दीलियाँ की गई और काफ़ी हंगामा भी हुआ। हमारे मुल्क में लेबर डे जो है ये 1973 में आया, लेकिन जो हमारी तालीम है वो 1400 साल पहले की है। बेशक, जिसमें हमें बार बार ये सिखाया गया है कि लोग मतलब इंसानियत एंड पॉजिटिविटी के साथ लोगों के साथ चलना, जहाँ कहा गया कि मजदूर की उजरत उसके पसीने के खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। शाह साहब भी एग्जैक्ट यही बात, सबसे पहली बात शाह साहब ने ये कही है आज काशिफ भाई, सबसे पहली बात। बात ये कि हमारे मुल्क में अगर किसी के पास ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, या इतना होना नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब है कि उसने कहीं गरीबों का खाया है, किसी का कुछ खाया है तो उसके पास ज़्यादा है। वरना हमारे जो माशरा है, इस्लामी माशरा, उसमें मसावात इतनी है, ज़कात इतनी अच्छी है, हमारे बाकी मामलात इतने अच्छे हैं कि मुमकिन नहीं कि किसी के पास इतना ज़्यादा सरमाया हो और गरीब इतना ज़्यादा नीचे चला गया हो। कल हम जब आजमाइश की बात कर रहे थे अपनी सहरी ट्रांसमिशन में, तो मैं मतलब बल्कि अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में, तो मत साहब आपके लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि मैं ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो एक सर्टन फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका लोगों का होता है, जिनको हम मज़दूर तबका कहते हैं, जो मुस्तहक भाई बहन है, तो उनके ऊपर बड़ी आजमाइश होती है। मैं कहती हूँ उससे बड़ी आजमाइश उन लोगों पे होती है जिनके पास होती है रकम और उनको लोगों को देना होता है, इसलिए क्योंकि आपके पास अगर हो ना तो पता नहीं क्यों लोगों की जान जाते हैं देते हुए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं
और आपकी ज़रूरत 10 रुपए है तो लोग 100 के 100 को पकड़ के बैठे रहेंगे। तो एक्चुअली ये जो बहुत अमीर या जिनके पास बहुत ज़्यादा कुछ है, जो आपकी फैक्ट्रीज मिल्स के ओनर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, एक्चुअली तो आजमाइश आपकी है कि आप क्या प्रूव करते हैं कि आपके अंदर कितना मेरिट है। जिसके पास नहीं है उसे तो बर्दाश्त करना है, सब्र शुक्र करना है। आपने एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लेके बैठ जाते हैं, जरा मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ जाती है कि भाई हिलना नहीं है, कि किसी को नहीं देना। मजे की बात है कि कब्र में तो उसी कफन में जाना है जिसमें बाकी सब ने जाना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया। वैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दी। आपने कहा देखो, 4 कैटेगरीज हैं, 2 अमीर 2 गरीब। एक अमीर, अच्छा अमीर, कि जो अपना माल उन लोगों में दे जिनके पास वो नहीं है, और बुरा अमीर जो अपनी दौलत के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ और किसी को ना दे, और एक बुरा गरीब वो गरीब जो दूसरे की दौलत पे नज़र रखे, और अच्छा गरीब वो गरीब जो अल्लाह की इस नेमत पर भी शुक्र अदा करे। कहते हैं कि गरीब है पर करीब है, और अल्लाह उसकी झोंपड़ी में सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है। क्या बात है। मुझे ये सआदत हासिल है कि ये कलाम शायर बज़ुबान शायर हज़रत हफीज़ तायब अला रहमत से ये मैंने ख़ुद सुन रखा है, और ये बच्चे ने जब ज़िक्र किया तो मैं उस यादों में चला गया था कि जब वो ख़ुद उन्होंने ये कलाम सरकार बाद साहब के रोज़े पे ये पेश किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ाई थी, मुझे बड़ा ही खुशी हुई है। और पता नहीं, शायद मुझे लग रहा था कि लंबी लय है बहुत ज़्यादा, ये है ना जी, वो आपने कह दिया। हाँ जी, तो लेकिन बाहर अच्छा है जी, गला अच्छा है माशाल्लाह। साथ का थोड़ा सा काम है कि तरबियत का अंदाज भी जरूरी है। मतलब फिर जज की सीट पर नहीं बैठना चाहिए ना, तो बात कैसे बनेगी। ये तो वो वाली बात है कि बंदा जाए और कोई जो क्रिमिनल है वो खड़ा हो जज के सामने, तो जज के कुछ नहीं होता, तुम संभल जाओगे, 8 कत्ल किए हैं, 9 तो नहीं किए, चले जाओ। अच्छा आमदानी साहब बताइए। मैं आपको सुनाता हूँ सरकार का, आप फरमाते हैं कि खाक को रिफत मिले, बेबालों पर को पर मिले, नाते पैगंबर से जब इरफान पैगंबर मिले। ये नात का शोभा इतना कीमती है कि ये इरफान पैगंबर तक दिया जाता है, तो इसको बहुत अकीदत से और एहतराम से सीखने की ज़रूरत है। तो बच्ची में है थोड़ा, लेकिन मेहनत की ज़रूरत, अभी मेहनत की ज़रूरत है। दोनों तीनों माशाल्लाह प्रेजेंटेशन तो अच्छी रही, लेकिन दोनों बॉयज़ जो है वो कुछ आज बेहतर। इसलिए तो नहीं है क्योंकि 2 बॉयज थे? नहीं, मैं तो बहुत, मुझे पसंद हो कि मैं कहूँ कि तीनों गर्ल्स अच्छी, तीनों गर्ल्स आगे जाए। बिल्कुल जी।